स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हुकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स यार, जैसा कि अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, भी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हमने उसके ऊपर काफी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में उसमें कुछ अच्छे मतलब टिपिकल प्रॉब्लम देखते हैं जो मोस्टली बच्चों को दिक्कत देते हैं। तो ये देखते बेटा वो सर्किट क्या है और क्या नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा भी एक गिवन सर्किट से आपने रेजिस्टेंस कैसे निकाला, तो अब हमने देखना है भी हमारे पास अगर एक गिवन रेजिस्टेंस हो और उसके रिगार्डिंग मुझे कोई एक डिजायरेबल अमाउंट ऑफ क्या निकालना हो रेजिस्टेंस, तो आप उसके रिगार्डिंग उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसका सर्किट कैसे बनाएंगे। तो ये देखते हैं बेटा। जैसे उसने कहा भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सेड भी आपके पास 3 ओम है, 6 ओम है एंड कितना है बेटा 9 ओम। इसकी मदद से फर्स्ट पार्ट आपको कितना ओम बनाना है, 18 ओम है ना। पहले बेटा इसमें दो चीजें ध्यान दे के चलना। जब भी आपके पास गिवन रेजिस्टेंस से कोई एक सर्किट लगाना हो तो आप यहाँ पे दो चेक लगा सकते हैं जो आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगे। पहला, अगर बेटा हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस की मदद से जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जो रेजिस्टेंस क्या करना है फाइंड, अगर वो उनमें बड़ी वैल्यू से बड़ा हो तो इन सारों को सीरीज में लगा के एक बार देख लीजिएगा, शायद आपका रिजल्ट उससे मैच कर जाए, ठीक है। बट अगर दूसरा चेक, अगर जो आपका गिवन रेजिस्टेंस हो वो सारी वैल्यू से छोटा हो, सारी वैल्यू से क्या हो छोटा, तब डेफिनेटली वो तीनों किसमें लग रहे होंगे, पैरेलल में लग रहे होंगे। किसमें लग रहे होंगे, पैरेलल। ध्यान देना, एक चेक हमारे पास यहां कंफर्म होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास जितने भी रेजिस्टेंसेस गिवन हो उनकी मदद से जो आपको रेजिस्टेंस निकालना हो वो सबसे छोटे से छोटा है, तो इसमें बिना कोई सोचे समझे आप सारों को किसमें लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है नहीं बेटा? अच्छा, बट अगर सीरीज में लगाना हो तो इसके लिए चांसेस होते हैं भी जो आपका बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें रेजिस्टेंस गिवन होगा, अगर उससे बड़ा रिजल्ट आपको ऑब्टेन करना है तो इट मे बी पॉसिबल इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। यहां तक क्लियर है? चलिए देखते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, 18 ओम। देखो ये सबसे बड़े से बड़ा है, मैंने इसमें चेक लगा के देखते हैं। आपको पता अगर 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम को तीनों को किसमें जोड़ दिया जाए, सीरीज में, तो देन यू विल फाइंड व्हाट इट बिकम बेटा, क्या आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला, 3 + 6 + 9 इट बिकम 18 ओम। मतलब अगर आपको इन तीन की मदद से 18 ओम लगाना है तो 3, 6 और 9 तीनों को किसमें जोड़ना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए अगला, जैसे दूसरा केस है, अगर हमें इन तीनों की मदद से ही 6.6 ओम फाइंड करना हो तो कैसे किया जाए, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान देके चलिएगा बेटा, हमारे पास जब 3, 6 और 9 है, कितने हैं 3, 6 और 9, एक बात ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में जोड़ने से जो रिजल्ट आता है वो हमेशा जो हमने जोड़े हैं उनसे हमेशा कम आते हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन में आ जाता है मिक्स ग्रुपिंग। अब एक बात हो, अगर मैं 6 के अंदर 3 और 9 जोड़ता हूं तो वो तो बढ़ा जाएगा। अगर मैं काम करता हूं 6 के अंदर क्या कर दिया जाए, 3 और 9 को पैरेलल जोड़ दो, एक पॉसिबिलिटी, या 3 के अंदर 6 और 9 को क्या जोड़ दो, पैरेलल। अब कौन सा प्रेफर करें, देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, एस्टिमेट थोड़ा सा आइडिया माइंड में निकालना पड़ेगा। देखो 3 × 9 याद है ना, अगर ये दो पैरेलल में होते हैं, ये दो पैरेलल में, या ये सीरीज, या इसका ऑप्शन ये सीरीज, ये दो पैरेलल, दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा। तो देखिए 3 तो छोटा है, बट अगर आप इन दो को जोड़ते हैं, इन दो को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना आता, 6 से छोटा 3 + 6 से छोटा इट मे बी पॉसिबल वो क्या हो सकता है 6.6, या इट मे बी आल्सो पॉसिबल 8.25। तो पहले देखते हैं बेटा, अगर आपके पास कभी भी 3 वाला है तो आप बेसिकली इसके अंदर क्या करेंगे, एक सर्किट के आप कॉम्बिनेशन बना लेना, आपके पास 3 से ज्यादा वाला आने वाला नहीं है बेसिकली। जैसे मैंने कहा एक सर्किट बना लिया, आप एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे पास अगर मैं मान लेता हूं 3 ओम यहां, मान लेते हैं 6 ओम यहां पे और 9 ओम यहां पे, पॉसिबिलिटी करके देखने पड़ेंगे, कोशिश करना, इसके सिर्फ चेक लग सकते हैं नथिंग, बाकी आपके पास सर्किट बनाना पड़ेगा। आपको पता बेटे 3 ओम को मैंने छोटे को यहां मान लिया और 6 और 9 को सपोज करते हैं किसमें मान लेंगे, पैरेलल में। अब देखते हैं इसको चेक करके देखते हैं, आपको पता है बेटा हमारा 6 और 9 दो डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं जो किसमें लग रहे हैं, पैरेलल में। तो इसकी वजह से बेटा अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते थे, याद है दोनों का मल्टीप्लाई बाय दोनों का सम, तो कितना होता था 6 × 9 / 6 + 9 इट बिकम व्हाट, 6 × 9 / व्हाट 15,
कितना हो जाएगा बेटा, 3 पे गया इट बिकम 5, 16 3 जा बिकम 18 बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 3.6 ओम। मतलब आप इन दो की जगह क्या लगा सकते हो, 3.6 ओम। तो इस कैन बी रिटन एज व्हाट, 3 ओम, और ये कितना हो गया 3.6 ओम। नाउ यू हैव सी दैट बोथ ऑफ दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 6.6 ओम। यहां तक क्लियर है? अगला मुझे अगर यहीं पे केस देखना हो 8.25, आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पे देखो 3 को जोड़ने से 6.6 आया, 3 से बड़ा रिजल्ट आया, 3 से बड़ा आया। और जो हमने 3 के अंदर 6.6 बनाने के लिए, 6.6 बनाने के लिए जो चाहिए वो 6 से छोटा है, 6 से क्या है छोटा, तो पॉसिबिलिटी थी 6 और 9 को किसमें कर दिया पैरेलल में। अगर बाय चांस मुझे जैसे यहीं पे बनाना हो क्या 8.25 हो, तो अब इस केस में देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के अंदर 6 से छोटा भी जुड़ सकता है, 6 से छोटा जोड़ने पे आपके पास 8.25 आ जाएगा। बट एक दिमाग में क्वेश्चन आया, चाहे दिमाग में एक क्वेश्चन, यार चलो अभी हमने जोड़ के देखा ही आया है, तो बट अगर मैं 3 से ही सीरीज में लेता हूं तो पॉसिबिलिटी नहीं, तो 3 की मदद से ना लेते हुए अब किसकी मदद से ले लेते हैं, अगर 6 की मदद से बेटा अगर इसको ले लेते हैं, दिस योर 6 ओम, दिस इज योर, अब इसको रिवर्स कर देते हैं इट बिकम व्हाट, एक को 9 ओम मान लेते हैं, एक को लेट कितना मान लेते हैं 3 ओम। एंड देन नाउ यू हैव सी दैट बेटा अभी हमारे पास ये वाला और ये वाला दोनों किसमें हो गए हैं पैरेलल में, तो आपको पता है इसका अगर रिजल्ट सोल्व करते तो इट बिकम व्हाट 9 × 3 / 9 + 3 कितना हो जाएगा 9 × 3 / 12, 3 पे कैंसिल हुआ 4, 9/4 बिकम कितना होता है बेटा 2.25 ओम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों की जगह क्या रख सकते हैं 2.25 ओम, तो इसके केस में बेटा आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा यार 6 ओम प्लस यहां पे कितना जुड़ जाएगा बेटा आपके पास 2.25 ओम। सो देन नाउ यू हैव सी दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज का आंसर कितना हो गया 8.25 ओम। बेटा देखिए इनका एक रियल चेक होते हैं रियलिटी में, बट वो अभी हमारे पास थोड़ी हायर क्लासेस में आते हैं, प्लस वन प्लस टू के कॉन्सेप्ट्स में हम इसको देख करवा सकते हैं, बट टेंथ लेवल पे इसका रियल फॉर्मेशन है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास 3 वाले हो, तीनों को सीरीज में लगा लेना, तीनों को पैरेलल, एक सीरीज दो पैरेलल, एक सीरीज दो पैरेलल का कॉम्बिनेशन, या दो सीरीज और एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से 3 क्लियर हो गए। अब देखते हैं अगर हमें इसे क्या बनाना हो 4.5 हो तो कैसे बनाते और कैसे नहीं बनाते। तो स्टूडेंट यार देखिए जैसा कि अभी हमने देखा अभी 18 ओम कैसे बनाते हैं, 6.6 ओम कैसे बनाते हैं, 8.25 ओम कैसे बनाते हैं, अब हमने देखना भी अगर इन्हीं 3 का यूज किया जाए हमें 4.5 ओम बनाना है। अब ध्यान दीजिए बेटा आपको पता है 4.5 ओम 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ये तो सिंपल सी बात है। बट हाँ कुछ ऐसा हो अगर 9 के दो पैरेलल में जुड़ जाए, 9 के दो पैरेलल में जुड़ जाए तो इट बिकम 9/2 व्हिच इज इक्वल टू 4.5, ये आपको पिछले लेक्चर्स में करवा रखा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है भी हम 2 9 9 के पैरेलल में बना दो, इसमें कहा हाँ जरूर, आपको पता है 1 3 का और 1 6 का इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो तो इट बिकम 9 और 1 इसमें जोड़ देंगे पैरेलल में। तो बेटा जब इसको ऐसे जोड़ा गया तो इट बिकम लेट ये हमारे पास कितना मान लिया जाए 3 ओम, दिस इज योर 6 ओम, इसके पैरेलल में कितना जोड़ दिया जाए 9 ओम, जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, तो बेटा आप देखो 3 और 6 दोनों किसमें है बेटा ये पैरेलल में, तो जिसकी वजह सॉरी सीरीज में, तो इसकी जगह क्या लगा दिया 9 ओम, और यहां पे भी एक और लग रहा है कितना है वो विच इज ऑल्सो 9 ओम, आपको पता 9 और 9 पैरेलल में हो गए तो इट बिकम व्हाट 9/2 विच इज इक्वल टू 4/5 ओम। आपको बताया था ना जब दो सेम पैरेलल में जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं दोनों का 9/2, अगर 5 5 के 4 जुड़ रहे तो 5/4, 10 10 के 8 जुड़ रहे तो 10/8। तो आई थिंक बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना टेंशन नहीं लेनी इसके। अगला इन शोन फिगर, अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इन शोन फिगर फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसके ऊपर हमने काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ के चलने हैं, बट इन नेक्स्ट लेक्चर, फिलहाल इस लेक्चर में दो क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास। जैसे बेटा अगर आपको कह दिया जाए इन शोन फिगर फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा। देखिए आपको कहा जाए भी हमारे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, सच दैट फर्स्ट रजिस्टर दैट्स योर सेकंड, दिस वन इज योर थर्ड, हर एक की रजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 9 ओम, दैट्स योर 6 ओम, दैट्स योर 3 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 27 वोल्ट, बैटरी ऑफ 27 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। ये यहां तक क्लियर है नहीं बेटा?
अगर आप जैसे ही यहां से की को क्या करते हैं बेटा, ऑन कर देते हैं, की को क्या करते हैं ऑन, तो आपको पता है की को ऑन करने की वजह से इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है 9 ohm 6 ohm and 3 ohm, ऑल दिस थ्री आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और सीरीज में करंट क्या रहता था सेम, और पोटेंशियल क्या होता था डिवाइड। ये आपको भी मैं बता के चुका हूं बेटा, ग्रुपिंग इन रेजिस्टेंसेस के अंदर आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको क्लियर ना हो तो। यहां पे क्लियर बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास कॉमन सर्किट के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालना हो, तो आपके पास जैसा मर्जी सर्किट हो, जैसा मर्जी सर्किट हो, आपको अब उसका रेजिस्टेंस निकालना आता है। तो ठीक है बेटा, तो पहले इस सर्किट का आप क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको नाम दिया गया आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपको भी याद हो गया होगा 9 ohm 6 ohm and 3 ohm, ऑल दिस थ्री आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो जिसका फॉर्मूला था 9 + 6 + 3, इट बिकम कितना हो जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू 18 ohm, हो गया नहीं हो गया। एंड आपको कहा भी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके अक्रॉस अप्लाइड करवाया गया, अरे सॉरी आपके अक्रॉस नहीं सर्किट के अक्रॉस, ठीक है, तो ये है 27 volt। अगर मुझे यहां पे करंट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए करंट, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता बेटा हमारे पास एक लो था जिसने वी आई और आर में रिलेशन दिया था, कौन सा लो था ओम्स लो, कौन सा लो था ओम्स लो, तो ओम्स लो ने क्या कहा था वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इज इक्वल टू वोट बेटा वी बाई आर। आपको पता है भाई जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है इज इक्वल टू वोट 27 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 18। अब देखिए ये आपके पास 9 पे कट रहे हैं, 9 2 18, 9 3 27, 3/2 बिकम वोट 1.5, और इसकी यूनिट क्या होती थी एम्पियर। बेटा ध्यान देना, यूनिट लगाना आपके लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि तो फिजिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है अगर उसके पीछे आप यूनिट को नहीं लगाते तो वो यूनिट या वो क्वांटिटी हमारे लिए क्या होती है मीनिंगलेस, क्या होती है मीनिंगलेस, तो इसकी यूनिट लगाना नेसेसरी है। अच्छा इसी के अंदर अगर हमसे पूछा था पोटेंशियल ड्रॉप भी बताओ, आपको बता बेटा पैरेलल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता था सेम, बट सीरीज के अंदर पोटेंशियल क्या होता था अलग अलग। मैंने कहा लेट जो पहले वाला 9 ohm है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हमने नाम दे दिया V1, सेकंड के अक्रॉस जो हुआ उसे नाम दे दिया V2, थर्ड के अक्रॉस जो हुआ उसे नाम दे दिया V3। यहां तक क्लियर है? मैंने कहा लेट 9 वाले को रेजिस्टेंस का नाम दे दिया R1, इस वाले को नाम दे दिया R2, इस वाले को नाम दे दिया R3। ये यहां तक याद रहेगा नहीं रहेगा पक्का? तो आपको पता बेटा करंट इसमें से जा रहा है कितना आई, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता था लेट वो कितना था V1, विच इज इक्वल टू आई इंटू R1 है ना, तो आई की वैल्यू कितनी अभी निकली है 1.5, आर कितना है 9, तो इट बिकम वोट 13.5 एम्पियर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे 9 into 1 9.5 into 9 4.5, 9 + 4.5 इट बिकम 13.5 एम्पियर। अच्छा अगर V2 निकालना पड़ जाए, V2 निकाला पड़ जाए तो कितना आएगा आई इंटू R2, आई कितना गेन 1.5 एंड R2 सेकंड वाले का रेजिस्टेंस कितना है 6 ohm, या 6 into 1 1, मतलब 6, और 6 into 0.5 3, तो इट बिकम 9 एम्पियर है। अरे पोटेंशियल लेट नो, इतना भी नहीं बताया तुमने, क्या यूनिट होती है वोल्ट, और इसकी भी यूनिट क्या आएगी वोल्ट है ना। तीसरा अगर पोटेंशियल आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगेन आई इंटू R3, करंट कितना है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो इट बिकम 4.5 वोल्ट। एक बात और ध्यान दें, आपको पता है एक कितना है 13.5, एक कितना है 9, एक कितना है 4.5, तीनों का सम कितना देखे, तीनों का सम कितना ध्यान दीजिएगा नोट में पॉइंट, एक कितना है 13.5, एक कितना है बेटा 9 + 4.5, 13.5 + 9 22.5, 0.5 उसका ले 23, 23 + 4 विच इज इक्वल टू 27 वोल्ट है ना बेटा। मतलब जितना पोटेंशियल आया था उतना ही तो डिवाइड होगा, ये थोड़ी अलग अलग हो जाएगा। तो यहां से एक मेन क्वेश्चन, कभी कभी आपको ये दे देंगे भी 9 ohm के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस इतना है, तो इसके अक्रॉस बताओ है ना, कोई लंबा जोड़ा इशू नहीं है। एक काम करो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है फिर उस केस के लिए। अगर सपोज करो आपको V1 दे रखा है 13.5, V2 V3 दे रखा है कितना 4.5, आपको पता है मोटा मोटा ये कितना हो गया 18 वोल्ट, तो ये वाला जो बचा होगा 27 में से दो का पोटेंशियल क्या कर देना माइनस, तो जो निकल के आएगा इट बिकम वोट कितना आ जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ V2। पॉइंट क्लियर है? इसमें से अगर इन दो का पोटेंशियल हटा दे तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसमें से इन दो का पोटेंशियल निकाल दे तो ये आ जाएगा,
इसमें से अगर इन दो का पोटेंशियल निकाल दे तो ये आ जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो बेटा। इसमें मेन बात ध्यान देने की है, सीरीज के अंदर आपके पास करंट क्या रहता है सेम, पर पोटेंशियल क्या रहता है अलग। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारे पास ये गिवन है बट इसमें वैल्यूज नहीं दी है। चलो वैल्यूज मान लेते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यार देखिए, जैसा कि हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है भी एक बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंस आपको शोन है, आपसे भी इसी क्वेश्चन में दोबारा से वही पूछा भी हर एक रजिस्टर में से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा एंड दूसरी चीज भी हर एक क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। बट एक बात ध्यान दीजिए, पहली चीज तो बेटा मुझे सर्किट में से टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो वो कैसे निकालें? एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली बात तो जब भी आपको टोटल करंट निकालना है आपको टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। आई थिंक मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर बेटा रेजिस्टेंस निकालना आ रहा होगा आपको। आई थिंक दिख रहा होगा बेटा ये वाला 6 ओम, ये वाला 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम दोनों के दोनों किसमें दिख रहे हैं बेटा आपको? सीरीज में। सीरीज में होने की वजह से इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इट बिकम 12 ओम, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। एंड 3 ओम एंड 6 ओम ऑल दिस थ्री आर आल्सो कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? 12 ओम। और अब आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला ये 12 और नीचे वाले ये 12 दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। किसमें होंगे? पैरेलल। और पैरेलल में बेटा आई थिंक आपको क्लियर है, दो अगर 12 12 के लेंगे तो उनसे कितना आएगा? 12/2 विच इज इक्वल टू 6 ओम, है ना। मतलब दोनों सर्किट का ये कंप्लीट सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा विच इज इक्वल टू 6 ओम। यहां तक क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक अगर आपको क्लियर ना हो तो पिछले लेक्चर एक बार जरूर देखिए ध्यान से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर अवेलेबल होगा आपको। देखिए बेटा, तो आपके पास सर्किट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है भी टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आया है विच इज इक्वल टू 6 ओम एंड टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन सर्किट इज 18 वोल्ट, है ना। सो इन दिस केस टोटल अमाउंट ऑफ करंट कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। कौन से लॉ का यूज किया? यूजिंग ओम्स लॉ। आपको दिख रहा है बेटा यहां पे साफ साफ भी हमारा जो V है इट इज 18 वोल्ट एंड जो R है आपका 6 ओम, तो कैंसिल किया इट बिकम 3 एम्पियर। कितना आ गया? 3 एम्पियर। बट एक बात ध्यान देने की, अच्छा इसी सर्किट को अगर चलो थोड़ा सा यूटिलाइज करके मैं समझाने के भी पे ऐसे लिख सकता हूं भी आपका ऊपर की तरफ जो लग रहा है इट इज आल्सो 6 ओम, नहीं सॉरी कितना आया था, माय मिस्टेक, कितना था बेटा 12 ओम। अच्छा नीचे वाला जो सर्किट आया था इसको भी सोल्व करके आपका रिजल्ट कितना आया था? 12 ओम। और इसके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा रखी थी जिस बैटरी के वोल्टेज कितना था यार? 18 वोल्ट। टी को ऑन किया करंट गया था और ये करंट कितना यहां से जा रहा है? 3 एम्पियर। अभी क्या होता है यहां से 3 एम्पियर जा रहे हैं, यहां से भी क्या जा रहा है? 3 एम्पियर। बट दिस 12 ओम एंड दिस 12 ओम ऑल्सो आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, सीरीज के सॉरी पैरेलल। पैरेलल में बेटा पोटेंशियल क्या रहता था? सेम पोटेंशियल क्या था? सेम। अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है और करंट क्या होता था? अलग अलग, तो इसमें करंट देख ले क्या होगा। बट एक बात ध्यान दो, ऊपर भी 12 ओम नीचे भी 12 ओम, पोटेंशियल भी सेम तो करंट भी क्या जाएगा? सेम। तो बेटा 3 के 2 पार्ट हो जाएंगे, इधर कितना जाएगा? 3 का हाफ मतलब 3/2 एम्पियर विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, और यहां से भी कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर। यहां से कितना आया? 1.5 एम्पियर। यहां से भी कितना आया? 1.5 एम्पियर। दोनों आपस में जुड़े, दोबारा कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट बैटरी से गया तो 3 एम्पियर करंट बैटरी में वापिस भी आया, ये तो बैटरी का रूल था, है ना। तो आपको ये पता चला 20 वाले 6 इस वाले 6 से कितना करंट जा रहा है? 1.5 एम्पियर। इस वाले 3 इस वाले 3 और इस वाले 6 से भी कितना करंट जा रहा है? 1.5 एम्पियर। पॉइंट क्लियर है नहीं बेटा? मुश्किल हो रहा। अब इसी के अंदर देखते हैं, उसने क्या पूछा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये कितना करंट जा रहा है? 1.5 एम्पियर। इसमें भी कितना जा रहा है? 1.5 एम्पियर। इसको ये सोल्व कर रहे हैं आसान साहब, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा लेट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो 1.5 × 6 V = I × R, निकाल लोगे? निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 1.5 × 6 बिकम 9 वोल्ट का, है ना। अच्छा इसके क्रॉस देखते हैं, इसके क्रॉस अगर इसमें भी सेम रहेगा 1.5 × 6 बिकम 9 वोल्ट का, 9 और 18 18 आ गया क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल गया था सेम। अच्छा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं कितना होगा, 1.5 × 3 बिकम 4.5 वोल्ट का। अच्छा इसके क्रॉस देखते हैं पीछे, 1.5 × 3 4.5 वोल्ट का,
लास्ट वाले के अक्रॉस भी देखते हैं, 6 × 1.5 × 9 वोल्ट का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दैट मींस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 18 और इसका भी 18 पैरेलल में पोटेंशियल कह रहे थे तो सेम, तो रिजल्ट भी कितना आएगा सेम। पॉइंट यहां पे क्लियर बेटा? अच्छा एक छोटा सा बच्चों के माइंड में, जो अच्छे बच्चे थोड़ा सा माइंड में क्यूरियोसिटी आ जाती है भी, चलो ठीक है अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तब तो करंट इनमें सेम गया, बट अगर रेजिस्टेंस अलग हो तब कैसे करें? मैं इसका मेथड बता देता हूं आपको। अगर आपके पास बेटा सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सर्किट है, आपने कहा भी यहां का रेजिस्टेंस आया आर वन, यहां का रेजिस्टेंस सोल्व करके आया कितना बेटा आर टू, मान सकते हैं, और इसके अक्रॉस कोई एक बैटरी लग रही है जिस बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है वी, है ना? पैरेलल में हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, लेट दिस पोटेंशियल इज वी। तो मैंने कहा इसमें से करंट कितना गया और इसमें से करंट कितना गया, मैंने कहा लेट इसमें से जो करंट गया दिस इज आई वन, इसमें से जो करंट गया दिस इज आई टू, तो ये निकाल लेंगे कैसे? याद है बेटा पैरेलल ग्रुपिंग वाले में प्रूफ करवाया था इसका। तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम, मतलब इसके लिए वी सेम, इसके लिए भी वी सेम, तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वी, रेजिस्टेंस कितना है आर वन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वी, रेजिस्टेंस कितना है आर टू। रख दोगे नहीं रख दोगे मुश्किल तो नहीं? तो आपके पास जो यहां से टोटल करंट अगर आई आ रहा होगा तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक आई वन और एक आई टू, और जो टोटल करंट आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, आई आएगा और आई ही वापिस चला जाएगा। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो बेटा इस चीज के बिहाफ पे आपके काफी सारे और न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये लेक्चर काफी अच्छा लगा हो और आपको आई थिंक मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स क्लियर हो, तो बेटा इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जा सके, और जाते वक्त बेटा इसे जरूर प्रेस द बेल आइकन, सिंपल सी बात है, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास डे टू डे आपके अपडेट्स मिलते रहें।